Assalamualaikum guys, this is Sajjad Awan. I hope you guys are all doing well. Welcome to my channel. आज का जो हमारा ब्लॉग है वो मोहनपिक के रेस्टोरेंट हिंदुस्तान की आई टी का है. हिंदुस्तान पे चलते हैं, आपको आई टी शो करते हैं. आई टी की टाइमिंग है 4 से लेकर 6:30 तक, एंड वहाँ पे चलते हैं, आपको आई टी शो करते हैं. ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खाली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी जब भी इस तरह के मज़े के वीकली ब्लॉग्स अपडेट करूँगा तो उसके पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए. हिंदुस्तान की आई टी तकरीबन 4 से लेकर 6:30 तक की है, तो अभी तकरीबन 1 बज रहे हैं. तो हम पहले चलते हैं काशीज़, चलते हैं काशीज़, चल के हम थोड़ी ब्रेड ड्रीमिंग कराते हैं एंड हेयर स्टाइलिंग करते हैं, एंड देन वहाँ से हम चलेंगे हिंदुस्तान की आई टी, आपको आई टी शो करें. सो वी आर फाइनली एट काशीज़ मैन सैलून, जो कि तारिक रोड पर है. अंदर चलते हैं, ब्रेड ड्रीमिंग कराते हैं, हेयर स्टाइलिंग कराते हैं, एंड देन वहाँ से चलते हैं मोहनपिक हिंदुस्तान आई टी पर. सो इस वक्त हम आ चुके हैं काशीज़ के मेंस सैलून पे, बेयर ट्रिमिंग करवाते हैं, हेयर स्टाइलिंग करवाते हैं. ये मेंस का सेक्शन है जहाँ पर मेंस की बेयर ट्रिमिंग की जाती है, हेयर स्टाइलिंग की जाती है, ग्रूम रेडी किए जाते हैं इस फ्लोर पर. एंड इसके ऊपर जो है वो स्पा मसाज सेंटर है, मसाज सेंटर ऊपर चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं. वीकेंड्स पर यहाँ पर काफ़ी रश होता है, बट इतफाक़ से आज रश नहीं है, तो मुझे मेरा नंबर जल्दी मिल जाएगा. सो ऊपर चलते हैं, आपको मसाज स्पा सेंटर वगैरह दिखाते हैं. सो ये जो है मेंस का बॉडी मसाज सेक्शन है, यहाँ पर बॉडी मसाज किया जाता है. सो फाइनली हमारी बेयर ट्रिमिंग एंड हेयर स्टाइलिंग हो गई है, एंड तकरीबन 3:45 हो रहे हैं, एंड 4 PM पर आई टी स्टार्ट हो जाएगी हिंदुस्तान की. चलते हैं वहाँ पर, हिंदुस्तान की आई टी आपको दिखाते हैं. सो इस वक्त हम आ चुके हैं क्लब रोड पर, जहाँ पर मोहनपिक होटल है, एंड उसके सामने PC होटल भी है. वहाँ पर भी आई टीज़ वगैरह ऑफर की जाती हैं, डिनर भी हैं. सो आपके साथ इंशाल्लाह मज़े मज़े की आई टीज़ एंड डिनर एंड डिफरेंट अम्यूजमेंट प्लेसेस भी डिनर भी रेस्टोरेंट्स के अलावा वो भी शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह. सो हम फाइनली टाइम से ही पहुँच गए हैं, 4:03 हो रहे हैं. सो चलते हैं अंदर मोहनपिक में, हिंदुस्तान की आई टी आपको शो करते हैं. सो ये मोहनपिक होटल की कार एंट्रेंस है, यहाँ से हम आगे चेक पोस्ट से होते हुए चेकिंग वगैरह करवाते हुए देन हम आगे बढ़ेंगे मोहनपिक होटल की एंट्रेंस की तरफ. चलते हैं आगे. जैसे कि मोहनपिक एक 5-star होटल है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर आपकी कार को पूरा चेक किया जाता है, फ्रंट बोनट भी चेक किया जाता है, एंड बूट स्पेस वगैरह ओपन करके सारी चेक की जाती है. सो फाइनली हम सिक्योरिटी चेक पोस्ट से होते हुए अंदर की तरफ पहुंच गए, मोहनपिक की मेन एंट्रेंस की तरफ पहुंच गए. अंदर चलते हैं हिंदुस्तान रेस्टोरेंट में, आई टी आपको शो करते हैं. तकरीबन टाइम तो हो चुका है, एंड सीधा अंदर चलते हैं. सो चलते हैं अंदर की तरफ, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, एंड वॉक थ्रू गेट से होते हुए एंट्रेंस जैसे ही एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पर ही हमें हिंदुस्तान रेस्टोरेंट मिलता है एंट्रेंस से. सो हिंदुस्तान रेस्टोरेंट में जाने से पहले सोचा आपको थोड़े से लॉबी सेक्शन दिखा दें. ये है मोहनपिक होटल का लॉबी सेक्शन है, ये सारा लॉबी है, एंड सीधा सामने हमें पड़ेगा हमारा हिंदुस्तान रेस्टोरेंट, जो कि एंटर होते साथ ही राइट साइड पर लॉबी है, एंड लेफ्ट साइड पर आपको हिंदुस्तान रेस्टोरेंट पड़ेगा. एंड चलते हैं यहाँ से हिंदुस्तान रेस्टोरेंट की तरफ. सो ये हम आ गए हैं हिंदुस्तान रेस्टोरेंट की तरफ, आई टी की टाइमिंग हो चुकी है, एंड आप देख सकते हैं टाइमिंग, ये हिंदुस्तान रेस्टोरेंट है, एंड टाइमिंग्स वगैरह भी यहाँ पर सारी नोटेड की हुई हैं. इंशाल्लाह आपके साथ ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर, ब्रंच वगैरह सब कुछ इंशाल्लाह फ्यूचर के ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर किया जाएगा. वीकेंड्स पर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जैसे कि बहुत ऑलरेडी रश होता है, तो मैंने ऑलरेडी रिजर्वेशन करवाई भी थी. सो रिजर्वेशन आप कॉल करके अब रिजर्वेशन पहले से करवा सकते हैं, तो वो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए. ये रेस्टोरेंट के सारे डाइनिंग एरिया है, एंड किसी की बर्थडे भी आई थिंक यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है आज. सो ये सारा बुफे सेक्शन है, आई टी है 4 से लेकर 6:30 तक की, सारा ये डाइनिंग एरिया है. व्यू की बात करें तो व्यू बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है, एंड क्योंकि आई टी की टाइमिंग अभी स्टार्ट हुई है तो काफ़ी एम्प्टी सा है. बट जैसे कि आई टी का टाइम अभी स्टार्ट हुआ है और जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरेगा सो ये सारा क्राउड से फुल हो जाएगा आई थिंक. सो यहाँ पर किसी की बर्थडे आज सेलिब्रेट की जाएगी, तो आप लोग भी अपना इवेंट कोई भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं. चलते हैं बुफे की तरफ. ये है हमारा टी सेक्शन है, यहाँ पर आपको टी सर्व की जाती है, यहाँ पर आप टी ले जाते हैं, शुगर वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं, वाइट शुगर है, ब्राउन शुगर है. आगे चलते हैं, ये है पास्ता सेक्शन है, यहाँ पर आपको लाइव पास्ता भी तैयार करके दिया जाता है, एंड वाइट पास्ता ऑलरेडी प्रिपेयर है, गर्मा गर्म वाइट पास्ता ऑलरेडी प्रिपेयर है. एंड साथ ही साथ अगर आपको वाइट पास्ता नहीं खाना तो आप लाइव अपने लिए कोई पास्ता प्रिपेयर करवा सकते हैं. सेकेंड आइटम की तरफ बढ़ते हैं. सो यहाँ पर बिल्कुल इसी के साथ ही है शवारमा काउंटर है.
सो यहाँ पर आप अपना लाइव शवारमा भी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश शवारमा आपके सामने आपको प्रिपेयर करके दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जिंजर सूप ऑलरेडी अवेलेबल है फ्रेश। एंड यहाँ पर ही हमारे पास हलीम पड़ी हुई है जो कि कराची वालों की फेवरेट है, एक तो बिरयानी भी और एक हलीम भी है, चिकन हलीम। आगे चलते हैं, चना तरकारी, आलू तरकारी, यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई कचौरी पड़ी हुई है, चिकन विंग्स हैं, आपको ज़रा दिखा दें इसकी चिकन पैकेट पड़ी हुई है, फ्राइड फिश। फर्दर आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जलेबी पड़ी हुई है, बिल्कुल मीठी मीठी सी। एंड यहाँ पर आई थिंक जो पकौड़े वगैरह हैं उनको फ्राई किया जाएगा लाइव, सो क्योंकि अभी टाइमिंग स्टार्ट की तो स्लोली स्लोली। और यहाँ पर हमारे आलू के समोसे पड़े हैं, स्मॉल स्मॉल वन बाइट, बीफ समोसा पड़ा हुआ है, और ये है पकौड़े पड़े हैं, स्प्रिंग रोल है यहाँ पर। चाउमिन पड़ा हुआ है यहाँ पर, एंड इसमें की सर्विस बहुत बेहतरीन है, वो जिसमें मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, इनकी सर्विस बेहतरीन है। और यहाँ पर फाइनली मैंने पाकिस्तानियों का फेवरेट जो होता है पिज़्ज़ा, जो पिज़्ज़ा जिसे कहते हैं वो पाकिस्तानियों का फेवरेट है, एंड आई थिंक ये कबाब है, कोई सीख कबाब है इस पर। यहाँ पर आइसक्रीम भी पड़ी हुई है, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है एंड आई थिंक एक चॉकलेट फ्लेवर है। इन्वॉलमेंट बहुत बेहतरीन है, इसको ले आपको जो ले चलते हैं डेजर्ट काउंटर की तरफ लेके चलते हैं। डेजर्ट हम यहाँ पर हमारे पास गोलगप्पे पड़े हैं, पहले तो यहाँ से आपको दिखाते हैं गोलगप्पे पड़े हैं सारे, इसकी इंग्रेडिएंट्स स्पाइस वगैरह ये खट्टा डिश सॉल्व कहते हैं, खट्टा खट्टा बहुत बेहतर है। यहाँ पर सैंडविचेस पड़े हैं हमारे पास, यहाँ पर चना चाट है, हमारे पास थोड़ी दही बड़ी और अच्छे आइटम है, आई टी के बहुत अच्छे आइटम पड़े हुए हैं, आई डोंट नो व्हाट इज दिस बट कुछ दिखने में तो अच्छा लग रहा है ये किसने। यहाँ पर भी सैंडविच दें चेंज। और अब हम आते हैं अपने मीठे की तरफ जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पर कपकेक पड़े हुए स्मॉल वन बाइट, और फिर टैप से पड़े हुए बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, एंड वन बाइट पेस्ट्रीज पड़ी हुई है, बहुत अच्छा है। ओवरऑल देखा जाए तो हाइटी का पैकेज बहुत अच्छा है, वन बाइट पेस्ट्रीज अगेन, वन बाइट पेस्ट्रीज अगेन। गुलाब जामुन का सेक्शन है बट आई थिंक इधर गुलाब जामुन मिसिंग है, थोड़ी देर तक आ जाएंगे, बट ये केक वगैरह ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन आई टी का मेन्यू है। और जूसेस दिखाना तो आपको रहेगा, वहाँ पर फ्रेश जूसेस भी है, एंड ये ऑरेंज जूस है, एंड आई थिंक ये लेमन है। नाइस पकौड़े फ्राई किए जा रहे हैं आपके सामने फ्रेश बिल्कुल। हम आपको लेके आए हैं लाइव शवारमा की तरफ, यहाँ पर लाइव शवारमा प्रिपेयर किया जा रहे हैं, ये कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, सामने आपकी डिमांड पर लाइव शवारमा प्रिपेयर किया जाएगा। Hold me close.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. फिलहाल ये आइटम्स डाले हैं, इनको ट्राई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट की वैरायटी या बुफे वगैरह का पता भी होता है कि आप डिफरेंट आइटम्स को टेस्ट कर सकें, तो उसको टेस्ट करते हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और यहाँ पर क्राउड में भी उस तरह इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि वीकेंड पे है एंड वीकेंड में ऑलरेडी इन जगहों में काफ़ी रश होता है। सो फार वी हैव डन दिस, तो तकरीबन हमने सभी चीज़ें एक एक करके ट्राई की हैं, बाकी चलते हैं, कुछ अगर रह गया तो वो भी ट्राई करते हैं, उसके बाद डिज़र्ट की तरफ चलते हैं। हमारा शवारमा भी रहता है, शवारमा भी कुछ ट्राई करते हैं। हम चलते हैं अपना शवारमा बनाते हैं, शवारमा बनवाते हैं सर एंड ट्राई करते हैं लस्सी शवारमा कैसा है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on चलते हैं मेरे डेजर्ट सेक्शन की तरफ एंड वहाँ पर चलते हैं थोड़ी डेजर्ट को टेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरी फेवरेट है। एंड डेजर्ट से पहले आई थिंक गोलगप्पे ट्राई कर लेते हैं, गोलगप्पे ट्राई कर लेते हैं। One hour later. सो इसी के साथ हमारी हाई टी आज भी कम्प्लीट होती है। आई थिंक 5:15 हो चुके हैं। फर्स्ट व्लॉग था मेरा, काफ़ी नर्वसनेस थी, बट इंशाल्लाह स्लोली स्लोली बेटर हो जाएंगे। एंड अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो काइंडली इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपके पास कोई भी किसी किस्म की वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओवरऑल देखा जाए तो हाई टी काफ़ी अमेजिंग थी एंड यहाँ पर डिनर भी ऑफ़र किया जाता है, जिसकी टाइमिंग आई थिंक 7 से 11 है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके अलावा मोइन पिक में दूसरे और रेस्टोरेंट भी हैं, वो अलग आर्ट पे बुफे पे नहीं है। सो पाकिस्तानी है, जापनीज है, इटालियन है, तो इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ वो भी शेयर किया जाएगा। एंड यहाँ पर जैसे कि बर्थडे चल रही है, बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही है। बट पूल भी है
और इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग आज का पसंद आया है तो काइंडली इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के मज़ेदार ब्लॉग्स के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं न्यू लोकेशन पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।